गाड़ी आज कर लिया फुल। समय हो गया है 11:26 और गाड़ी लेकर जा रहे हैं हम सबसे पहले भाद्रवाद बाईपास तक। हम दो जने गाड़ी पर होंगे एवरेज वेट के साथ। आज हम गाड़ी को करने वाले हैं एक इसका छोटा सा रनिंग टेस्ट। रनिंग टेस्ट क्या है, हमें किस काम है, हम किस काम के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। हम जस्ट गांव से चले हैं और गांव से बाहर ही आए हैं तभी हमने वीडियो स्टार्ट करी है। और यहाँ से लेकर वहाँ तक का आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि लंबे रोड पर, हाईवे रोड पर गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रहती है। गाड़ी चार्जिंग फुल है, जो आपको जो अभी 531 किलोमीटर 1 किलोमीटर बाहर आ गए हैं गाँव से। ये एक ब्लॉग ही बन जाएगा। और आज महाशिवरात्रि का दिन है तो आपको भोले बाबा के भक्त भी देखने को मिलेंगे रोड पर। आज जिस रोड पर हम गाड़ी चला रहे हैं उस रोड पर काफ़ी भीड़ है। ये भीड़ भाड़ भरा रोड है जिस पर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी कभी स्लो कभी तेज चलेगी। इसके अलावा एक दिन की वीडियो लॉन्ग रूट पर, इसे फोर लेन पर भी टेस्ट करेंगे, हम लंबा निकलेंगे ताकि गाड़ी का ना हाईवे पर भी गाड़ी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहता है वो भी शेयर करेंगे। गाड़ी को लगभग 6 महीने से हम चला रहे हैं और ज़्यादातर गाड़ी लोकल में रुड़की में मार्केट के अंदर गाड़ी चली है। बाहर रुड़की से बाहर या शहर से बाहर एक शहर से दूसरे शहर इस गाड़ी को हम अभी तक लेकर नहीं गए। आज ये पहला दिन होगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल दौलतपुर, इसका मतलब ये हुआ हम धनौरी से निकल चुके हैं। धनौरी से निकलने तक एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो लंबे रोड पर भी चलते टाइम गाड़ी से हमें कोई शिकायत ऐसी नहीं हुई है जिससे कि ये लगे कि हम कुछ अनोखी कुछ अलग टाइप की गाड़ी पर चल रहे हैं। जैसे हम अपनी पेट्रोल गाड़ी को चलाते हैं सेम टू सेम वैसे ही गाड़ी चल रही है। गाड़ी वही 40 की स्पीड से आदमी नॉर्मली चलाते हैं गाड़ी और वही गाड़ी चल रही है, बिल्कुल नॉर्मली गाड़ी चल रही। आप देखो ये भाई हमारे पास 40-45 की स्पीड से हम आगे निकल जाता या हम इस ये स्लो करेगा तो हम इससे आगे निकल जाते हैं। इतने सी गाड़ी की कहानी है। चलिए अब डेस्टिनेशन पहुंचते हैं भाद्रवाद और उसके बाद वहां का देखते हैं क्या सीन रहता है। लगभग आधे घंटे बाद फाइनली हम लोग भाद्रवाद पहुंच गए हैं। लेकिन हमें जो है भाद्रवाद नहीं, हमें भाद्रवाद में काम नहीं, हमें जाना भाद्रवाद बाईपास पर। भाद्रवाद बाईपास का ये मतलब हुआ कि हमें जहाँ से आपका रिंग रोड स्टार्ट होता है ना हरिद्वार रिंग रोड, तो भाद्रवाद बाईपास से स्टार्ट होगा तो हमें उस पॉइंट पर पहुँचना है। इतना समय लगता है रुपेश, अगर पेट्रोल से भी आते तो इतना ही समय लगता, इतना ही टाइम लगता है उसमें थोड़ा सा तेज आते 10-5 मिनट का फर्क लग जाता। अब इसे हम 40 की स्पीड पर लेकर आए, मैक्सिमम गाड़ी की स्पीड हमारी 60-65 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है तो। लेकिन हमारी जो रनिंग है हम इतने ही चला महाविद्यालय। फाइनली भाद्रवाद से एक शॉर्ट रास्ता लेकर हम पहुंच गए भाद्रवाद बाईपास पर। अंडरपास से लाइन चेंज करनी और उसके बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे। गाड़ी हमें ले आइए यहाँ। क्या कितना टाइम हुआ रुपये? 12:04 और गाड़ी की जो रीडिंग है वो है आपकी 51.9 और गाड़ी आ गई है हमारी 31 किलोमीटर से 47 किलोमीटर।
भाई रास्ता देख तो मोटरसाइकिल निकलने लायक रास्ता होना चाहिए। वैसे हम आज अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से हाईवे जो कैपेबिलिटी चेक कर रहे थे वो हाईवे कैपेबिलिटी से यहाँ के फैल हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ आने के बाद इससे ऑफ रोडिंग भी करवा रहे हैं कच्चे रास्तों में, मिट्टी भरे रास्तों में। तो ऐसे में गाड़ी का एवरेज तो क्या ही निकल के आएगा। यहाँ से आपको अगर थोड़ा सा भी नज़र आ रहा होगा तो वो भादराबाद पर NH-58 पर लगने वाला टोल प्लाजा है, और टोल प्लाजा के बाद ये आपको भादराबाद बाईपास का की लोकेशन, भादराबाद बाईपास और भादराबाद बाईपास से गुजरती हुई अपनी इलेक्ट्रिक। बड़े बड़े ट्रकों के बीच में आज इलेक्ट्रिक की वीडियो हम बना रहे हैं। फोर लाइन हाईवे पर चलती हुई इलेक्ट्रिक हैं आज तो भाई लगी खुशी हो रही इलेक्ट्रिक के साथ। रुपेश आज तो लगी खुशी हो रही पतंजलि योगपीठ बाबा रामदेव सबके प्यारे सरकार के दुलारे। क्या बात यह बात कहनी थी भाई, यो फनी जोक नहीं भैया, इस पर बाबा रामदेव आएगा स्वयं योगदार चांटा मार सको। हाँ उनका चांटा भी योगदार है। पतंजलि योगपीठ ऑडिटोरियम टाल रुड़की मुजफ्फरनगर दिल्ली पॉइंट से हम अब NH-334 को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब हमें जाना है भगवानपुर। तो ये जो पिरान कलियर वाला बोर्ड आप देख रहे हैं इस रोड से उस तरफ हमें जाना है, लेकिन हमें निकलना अंडरपास के जरिए से पड़ेगा। अब हम यू टर्न लेकर यहाँ से यू टर्न लेंगे। ये रोड इधर से रुड़की चला जाता है हमारा ओल्ड एन एच 58 और ये नया NH-334। भादराबाद बाईपास से हम यहाँ तक इस रोड के जरिए आए हैं और यहाँ से कलियर को निकलते हैं, भगवानपुर निकलना है और यहाँ से हम पहुँचेंगे रुड़की से चुटमलपुर मार्ग पर। चलिए वापस से भगवानपुर रोड पर कनेक्ट करके आपसे बात करते हैं। भादराबाद बाईपास की परिक्रमा पूरी करके हम वापस लौटते समय आ पहुँचे हैं धनौरी भगवानपुर मार्ग पर। फिर से इसी रोड से हम गए थे और इसी रोड पर अब आ गए हैं। अभी हम भगवानपुर से 6-7 किलोमीटर आगे इंडस्ट्री एरिया में कुछ काम के लिए जाएंगे। है ना 67 लगभग 37 किलोमीटर चल चुके हैं और समय हुआ है 1:53 कहाँ लग जाओगी इसकी 42 तक जाएगी।
43 तक हैं। भगवानपुर के एकदम नजदीक है, भगवानपुर पहुंचने वाले हैं आज। शायद हमने सबसे लंबी गाड़ी चलाई, मतलब सबसे ज्यादा देर लगातार गाड़ी चलाई है वाली, इलेक्ट्रिक वाली। पहुंच गए भाई भगवानपुर। गलत आएगा तो उसमें को लेता, उसी में ले रहता डॉक्टर वाली, डॉक्टर वाली गली में को यू टर्न लेने का मौका तेरे पास, मौका भगवानपुर में लगा जाम। अब जाम से बचने के लिए तो हमें गाड़ी मार्केट में घुसानी पड़ेगी दोबारा से। भगवानपुर में जाम होने के कारण गलियों को भी निकालनी पड़ेगी गाड़ी। डॉक्टर के सर जगह बढ़िया डॉक्टर के। ए भाई से बचाई भाई, अरे प्यारे मोहन नवर है आजकल में गई होगी। सब कोई मरे आगे होगा आज। अब रास्ते में पड़ेंगे कुछ फ्लाईओवर, भगवानपुर से हमें कुछ दूर आगे जाना है। निरंतर चल रहे हैं अपनी अपनी स्पीड से, 40 की स्पीड मेंटेन करे हुए हैं। और सुबह से निकलेगा आज इलेक्ट्रिक लेकर काजीरंगा एडिसन। टाटा पंच एक बहुत ही कन्वीनियंट गाड़ी है, प्रैक्टिकल गाड़ी है। अब प्रैक्टिकल गाड़ियों में अल्टो का जमाना चला गया, अब लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा भी है। पहले की तरह नहीं है कि भाई 2-2.5 लाख 3 लाख में गाड़ी लेनी चाहता। अब जो शुरुआत करेंगे गाड़ी लेने की, कोई अपनी पहली गाड़ी लेगा तो 7-8 लाख का तो बजट लेके चला। उसके साथ ही ई एम आई के इतने अच्छे ऑप्शन आने लग गए अब गाड़ियों के साथ, तो गाड़ियाँ खरीदना आसान हो गया। और मैं बताऊँ, गाड़ी टाटा ने पंच को भी इलेक्ट्रीफाई करने के लिए अनाउंस किया हुआ, जिसकी अभी तो कोई अपडेट नहीं है, मगर उस पंच भी आपको जल्दी इलेक्ट्रिक में भी देखने को मिलेगी।